जतारा में पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की पत्नी के हत्यारों को आज जतारा पुलिस ने 33 लाख रुपए के जेवरा सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विगत दिवस दिल्ली में 6 जुलाई बसंत विहार कॉलोनी में श्रीमती कीर्ति कुमार मंगलम उम्र 70 साल पत्नी स्वर्गीय श्री पी आर कुमार मंगलम एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की पत्नी की हत्या कर उनके घर से सोने चांदी के जेवरात सहित आरोपी उनकी हत्या करके फरार हो गए थे। फरार आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने धारा 302, 307, 392, 394, 34 के तहत अपराध कायम कर लिया। दिल्ली पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी जिनके नाम राजू और राकेश थे, जो दोनों दिल्ली के निवासी थे। तीसरा आरोपी सूरज पिता राजेश कुमार आदिवासी उम्र 36 साल जो अभी दिल्ली का रहने वाला है और जतारा थाना के बलदेवपुरा में आकर अपने ससुराल में रहने लगा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पाकर बलदेवपुरा पर घर को चारों तरफ से घेराबंदी कर आरोपियों के घर से दबिश दी, जिसमें पुलिस ने उसको पकड़ने में सफलता हासिल की। दिल्ली पुलिस के सुदृढ़ कर दिया गया। वहीं आरोपी के पास घटना में लूटा गया सोना चांदी का सामान भी बरामद दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। घटनाक्रम किस प्रकार था सर? आज दिल्ली से SI अशोक कुमार बसंत विहार थाना साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नेटवर्क में टीम दिल्ली से हमारे थाना जतारा आई। उनके द्वारा बताया गया कि 6 जुलाई को पूर्व कैबिनेट मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय मंत्री थे उनकी पत्नी केटी मैडम का की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है और 6 जुलाई से इन लोग ये टीम उस आरोपियों की तलाश में थी, जिसमें से एक आरोपी जिसका नाम सूरज बोलते हैं वह टीकमगढ़ में आया हुआ है और बलदेवपुरा उसकी लोकेशन मिल रही है, जिसके पास करीब सोना चांदी है, 1 किलो के लगभग सोना चांदी है और वह फरार चल रहा है। इस संबंध में मेरे SP सर के निर्देशन में और DIG सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी, रवि सिंह कुशवाहा सब इंस्पेक्टर अजय सिंह द्वारा तत्काल तुरंत कार्रवाई की गई और बलदेवपुरा पहुंची टीम, जहां पर इनकी उस आरोपी से झड़प भी हुई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन वहां पर भी महिलाएं लोग विवाद कर रही थी, जिसमें पुनः टीम हमारी रवाना हुई और मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर करीब 33 लाख का हमें जेवरात वहाँ पर मिला है और करीब 10,000 रुपये जब्त हुए, एक फ़ोन रेडमी का जब्त हुआ है और इसके द्वारा हम लोगों ने आके यहाँ पे जब्ती बनाई। थैंक यू। जतारा से UD News के लिए लाली झा की रिपोर्ट।